सरिता संग भक्ति भरा दिन। पांड्या स्टोर फेम श्वेता की यात्रा। बापा के दर्शन के लिए निकल पड़ी अंकिता। भाई गणेशोत्सव के मौके पर बापा की भक्त अंकिता निकल पड़ी है गणपति यात्रा के लिए। भाई अलग अलग पंडाल में जाकर वो विघ्नहर्ता का आशीर्वाद ले रही है, कर रही है गणु बापा के दर्शन। ऐसे में इस भक्ति भरे सफर में इनका हम सफर बन गया है सास बहू और बेटियां। श्वेता यानी कि अंकिता पहुंच गई हैं इस पंडाल में, जहां पर शिवाजी महाराज के किले का सेटअप बनाया हुआ है, और यहां पर उन्होंने आकर किए बापा के दर्शन। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा गणपति उत्सव चल रहा है 11 दिन का, और आज हम जाने वाले हैं मुंबई में गणपति दर्शन के लिए। तो विल ट्राई कि हम बहुत सारे पंडालों पे जा पाएँ, देखते हैं, हमें बहुत दूर जाना है। और हर एक गणपति के ना कुछ कुछ अलग अलग मायने हैं, कुछ कुछ स्पेशलिटी है, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। आई स्वेयर, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, और बस सुना था अभी तक, यू नो, बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं वर्ड से तो बयान ही नहीं कर सकती, आप मेरी खुशी में देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। और इतना अमेजिंग है ना, मतलब ऐसा लग रहा है हम पुराने ज़माने में चले गए हैं। यहाँ पर सैनिक वैनिक हैं, और वहाँ पर शिवाजी बने हुए हैं, और मेन जो दर्शन है हमारे बप्पा के वो तो हमें अंदर होंगे, बट अभी बाहर ही इतना खूबसूरत है कि देखिए ना आप, ये देखिए कितना खूबसूरत है। सो यू नो, आई थिंक पुराने ज़माने में ऐसे ही सैनिक हुआ करते थे, कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी अभी हमारी आर्मी होती है। तो इट्स अमेजिंग, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग कि क्या मुझे फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और एकदम मतलब पुराने स्टाइल में शिवाजी का किले में जैसे हम आ गए हैं। मतलब उस लाइफ टाइम में हम नहीं थे, लेकिन यू कैन सी, यू कैन इमेजिन कि कैसा रहा होगा उस टाइम पे जब शिवाजी थे, और यू नो उनके सैनिक हुआ करते थे, उनकी रानियां हैं, नहीं उनकी रानियां का मुझे ज़्यादा आई हैव नो आइडिया, बट या आई कैन सी कि उनका जो भी दरबार होता था वो कैसे कैसे अपने जो भी ऑडियंस है उनसे कैसे ग्रीट करते थे, कैसे बात करते थे। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और अभी आगे तो हमें गणपति जी से भी मिलना है, और आप लोग भी देखिए जो लाइव है। तो फाइनली हमारे मुंबई चा राजा के दर्शन हो गए हैं हमें, और आप सबको भी मैंने दर्शन कराए, और आप सबको आशीर्वाद भी दिलवाया है उनके चरण स्पर्श करके। और मैंने तो अपनी प्रेयर भी मांग ली है, क्योंकि गणपति बप्पा बहुत ऊपर थे, उनके कान तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो जो छोटे से मूसक थे मैंने उनको सारी चीज़ें बोल दी है कि ये प्लीज़ 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 पहुँचा देना। और आप लोगों की तरफ से भी, आप लोगों के लिए भी मांग लिया, तो आप टेंशन मत करो। अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैंने आप सबके लिए कुछ ना कुछ मांग दिया है। और देखिए प्रसाद भी मिला है,
और ये प्रसाद मैं आप लोगों की तरफ से खुद भी खा लूँगी और जितने लोगों को हो सकेगा खिला दूँगी। सो अभी हम चलते हैं कहीं और, एक बप्पा से बन नहीं भरा, अब हम दूसरे बप्पा की ओर चलते हैं। भेस के बाद अंकिता पहुंच गई सिद्धि विनायक मंदिर, जहां उन्होंने बापा का आशीर्वाद लिया। फाइनली हम सिद्धि विनायक जा रहे हैं और नंगे पांव जा रहे हैं, और बहुत सिद्धि विनायक गए भी मुझे काफी टाइम हो गया, और मेरे मन में से आई स्वेयर में दो दिन पहले सोच रही थी कि सिद्धि विनायक जाना था, बहुत टाइम हो गया, और देखिए ना बुलावा आ गया, तो अभी हम सिद्धि विनायक की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। सिद्धि विनायक तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनको विसर्जन नहीं किया जाता है, वो हमेशा यहीं पे रहते हैं, तो अभी उनके दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। विनायक मंदिर के बाद अंकिता पहुंच गई है जीएसबी गणपति के दर्शन लेने के लिए। भाई ये तो है गहनों से लदे हुए गणपति बाप्पा, जिनका आशीर्वाद अंकिता ने लिया और बाप्पा से मांगी विशेष। सो अभी हमने सिद्धि विनायक के दर्शन किए और बहुत मजा आ गया, बहुत रश था, बट सिद्धि विनायक तो मतलब हमेशा यहाँ रहते हैं। आप कभी भी मुंबई आए तो सिद्धि विनायक जरूर आए, और मुझे पता है कि आप में से जो भी आगे प्लान कर रहा होगा मुंबई आने का, वो सिद्धि विनायक तो जरूर आएगा, क्योंकि अब हमने दो स्पॉट पूरे कर लिए, अब हम तीसरे स्पॉट की तरफ जाने वाले हैं, हमारे तीसरे पंडाल में जाने वाले हैं, जो कि है बहुत ही अमीर बप्पा। मतलब पैसा किसे नहीं चाहिए आज की डेट में, मतलब हर हर पॉइंट में जाके ना मैं कुछ 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 मांग रही हूँ। सिद्धि विनायक से आपने जो मांगा वो पूरा होता है, मतलब कोई विश, अभी मुंबई चा राजा, तो मुंबई चा राजा आपको राजा बना देगा, देखना, यू नो। तो मैंने आप सबके लिए भी मांगा, अपने लिए भी मांगा है, और अब हम जाने वाले हैं सबसे धनवान, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है और जो सोने और चांदी से भरे पड़े हैं, उन पापा के पास जाने वाले हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, कितना रश होता है, पर मजा आ रहा है, और मौसम बहुत अमेजिंग है मुंबई में आज, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं साथ में और बहुत फन हो रहा है। देखकर दिल बाग बाग हो गया है, बहुत खुशी हो रही है, मतलब कितने खूबसूरत बप्पा हैं, और गोल्ड से बनाया गया है इनको, इतना अच्छे से सजाया है, गोल्ड का मुकुट है, गोल्ड के कान है, पैर है, हाथ है गोल्ड के, और इतनी सारी ज्वेलरी बनाई हुई है ना, मतलब इतनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि हम सबको बप्पा ऐसे ही अमीर बना दे, ढेर सारा सोना दे, ढेर सारा पैसा दे, आपको भी मुझे भी, और बस सब खुश रहे। भाई ये अरेंज किया है ई फैक्टर एंटरटेनमेंट ने, जहाँ हो रही है अंकिता संग पंडाल यात्रा और बापा के दर्शन। मुंबई से विशाल शर्मा। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और पेटियाँ।